بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Dear students, السلام عليكم. आज हम चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि जो गुज़िश्ता लेक्चर्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे. अगर किसी को किसी बात में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकता है, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और आज हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हमने जो इक्वेशंस दी गई हैं उन्हें मैक्सिमाइज करना है. इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं किसी को मैक्सिमाइज करना है और कुछ को मिनिमाइज करना है. क्या मतलब है इसका? ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिस पर यह फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे और जहाँ पर मिनिमाइज होगा वहाँ पर हमने एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी जिसमें फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा. और हमने इस बात से कतई नजर कि फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है. आप यूँ समझें कि ये कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ तक ये कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन क्वेश्चन. हम इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करेंगे और अभी हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि ये है ही नहीं, इस क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है. हम इसको प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करते हैं. जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे फिर इनको देखते हैं कि इन्हें हमने क्या करना है. लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने ये जो साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज हैं इन्हें ख़त्म करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, रिमूव करना होता है. जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, एलिमिनेटिंग द इन इक्वालिटी साइंस वी गेट हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी दैट इज 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें और ये हमारा जो सॉल्यूशन है फिर वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो निकालते हैं, फिर उनको ड्रा करेंगे. आफ्टर शेडिंग जो हमारे पास कार्नर पॉइंट्स आएंगे फिर उनको हम डिस्कस करेंगे कि उसको हमने किस तरह से नेक्स्ट प्रोसीड करना. नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या लिखना है, फॉर इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 फॉर एक्स इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने वाई जीरो पुट करना है तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाती है वो है माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. दिस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होकर एक्स को 8 ही लिख देते हैं और सारा सवाल जो है वो गलत हो जाता है. हमने यहाँ पर y को जीरो पुट किया हुआ है तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 8. तो जो पॉइंट हमारे पास बनेगा x की वैल्यू माइनस 8 है एंड y की वैल्यू 0 है. अब हम लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट में हमने पुट करना है x को 0 के इक्वल. तो जब हम x जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4. तो जो पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 4 आता है. तो हम ये पॉइंट एक साइड पर लिख लेते हैं. हमारे पास एक पॉइंट आया है माइनस 8 0 और ये लाइन का दूसरा पॉइंट y एक्सिस पर हमारे पास 0 एंड 4 बनता है. ये लाइन 1 है. अब हम जब x और y दोनों को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 0 इज लेस देन 8 दैट इज ट्रू. आप जानते हैं कि अब हमने क्या लिखना है. जब ट्रू होता है तो हमने क्या लिखना होता है, द सॉल्यूशन रीजन इज ऑन द सॉल्यूशन रीजन इज ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन. जो सॉल्यूशन रीजन है वो लाइन के ओरिजिन वाले साइड के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा. अब हम इक्वेशन डिस्कस करते हैं सेकेंड
और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास हमने वैसे इंटरसेप्ट और पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं इसमें क्या बनता है। जी हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस y इज इक्वल टू 4। x इंटरसेप्ट के लिए y जीरो पुट करना है। जब हम y जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 4 बनेगी और पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा 4 0। नाउ फॉर y इंटरसेप्ट x जीरो पुट करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ से फिर y की वैल्यू जो है माइनस के साथ आ रही है, माइनस y इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4। तो पॉइंट कंप्लीट हुआ 0 एंड माइनस 4। अब आपने x को भी 0 पुट करना है तो y को भी 0 पुट करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 0 इज लेस देन 4, 0 इज लेस देन 4 दैट इज ट्रू। ये भी ट्रू है। जब ट्रू है तो हमने लिखना है द सॉल्यूशन रीजन इज ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हुए हैं। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है माइनस 8 एंड 0। एक्स पे हमने माइनस 8 पे चल रहे हैं और वाई एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या हो जाएगा 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज माइनस 8 एंड 0। ये हमारे पास एक पॉइंट बना माइनस 8 एंड 0। इसे लिख लेंगे हम। इसके बाद है 0 4। 1 2 3 4 ये पॉजिटिव है, इस वजह से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं 0 4। अब हमने इनको मिलाना है आपस में, इस तरह से मिला दिया इसको हमने। ये पॉइंट हमारे पास माइनस 8 0 है और ये पॉइंट हमारे पास 1 2 3 4 0 4 है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है 4 0। एक्स पे हमने 4 चलना है, वाई पर 0 है, 1 2 3 4 दिस इज 4 0। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 0 माइनस 4, नीचे की तरफ आना है, वाई नेगेटिव है, 1 2 3 4 दिस इज 0 माइनस 4। इन्हें को भी हमने मिलाना है बाय फोर्ट। आपने इनको बाई फुट ही मिलाना है। यहाँ पर हम आपको ऐसे ही समझा रहे हैं इसको, ये आपने इन्हें आगे तक मिला देना है। तो ये आपका जो ग्राफ है वो बन गया है। अब हमने इसको करना है शेड। अब आप देखें कि हमने इस लाइन की कौन सी साइड शेड करनी है। इस लाइन की हमने ओरिजिन साइड शेड करनी है। ये साइड इसकी ओरिजिन साइड है, यहाँ पर ये ओरिजिन एग्जिस्ट करता है। और इस लाइन के लिए भी ट्रू था, इसकी भी ओरिजिन साइड ही शेड करनी है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। मेन फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपने बाहर नहीं जाना है। ये हमारे पास पॉइंट क्या था, एक्स 0 वाई माइनस 4 है और ये हमारे पास 4 0 है पॉइंट। एक्स 4 0 एंड 0 माइनस 4, ये दो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए। जी अब आपने इसे शेड करना है और ये शेड इस तरह से करना है कि दोनों लाइनों की ओरिजिन साइड पर वाकई हो। तो ये पोर्शन ऐसा है जो दी गई इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, मीन दोनों लाइनों की ओरिजिन साइड के ऊपर वाकई है। आपने इसको शेड कर दिया। अब आप देखें कि इसके हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सी कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनते हैं। हम इसके लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास, एक तो आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिन है, दैट इज एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है,
एक ये पॉइंट हमारे पास कॉर्नर बनता है जो हमने शेड किया उसका 40, एक ये पॉइंट कॉर्नर बनता है जो हमने शेड किया 04, और एक ये पॉइंट बनता है जो कि इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नाउ लेट्स सी कि हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं क्या बनता है। ये क्वेश्चन हमारे पास वन थी, माइनस इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2y is equal to 8, minus x plus 2y is equal to 8 and x minus y is equal to 4. इन्हें ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, y is equal to 12. अब ये y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, लेट के हम इसमें पुट करते हैं x minus y is equal to 4, that is x is equal to 16. तो जो पॉइंट हमारे पास कॉर्नर बना वो क्या बनेगा, x की वैल्यू 16 आई हमारे पास और y की वैल्यू इससे रेलिवेंट जो है वो 12 है। हमारे पास चार पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स बन गए हैं। देखें 1, 2, 3, 4 ये चारों पॉइंट्स इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। लेट्स सी कि ये पॉइंट सही है। अब देखें कि x पे हमारे पास 16 और y पे 12 के सामने होना चाहिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये पॉइंट हमारे पास 16 के सामने और इधर 12 के सामने है। अगर इस तरह से नहीं होगा तो इट मीन्स कि आपने जो क्वेश्चन है गलत किया, शेड गलत किया हुआ है या फिर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गलत ड्रॉ किया हुआ है। जी नेक्स्ट जो हमारे पास था कि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ये हमारा इसमें असल टारगेट है। तो आप वो फंक्शन लिखें जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 5y। अब आप इसमें वो चारों कॉर्नर पॉइंट्स बारी बारी पुट करेंगे जो हमने फाइंड आउट किए हैं। हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 0, 0, सेकेंड 1, 4, 0, थर्ड 1, 0, 4 एंड लास्ट 1, 16, 12 है। इसमें x और y की जगह ये वैल्यूज हमने रिप्लेस करनी है, पुट करनी है 2x + 5y, 2x + 5y। ये हमारे पास x y की वैल्यूज हैं, x 0 है, y भी 0 है, x 4, y 0, x 0, y 4 एंड x 16, y 12। This is 0 + 0, 0, 8 + 0, 8, 0 + 20, 20 and 32 + 16, that is 92। अब आप देखें कि इन चार वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो ऑफ कोर्स क्लियर के इन चारों वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 92 है। तो आपने क्या लिखना है इसका जो आंसर है वो आपने क्या लिखना है, इसके आंसर में आपने लिखना है द फंक्शन इज मैक्सिमम एट 16, 12। इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू 92 है, जो कि कब आई हमारे पास, जब हमने x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 12 यूज की है। मीन जो हमारे पास जो फंक्शन है 2x + 5y, इसका आंसर मैक्सिमम कब होगा इस शेडेड रीजन में, जब x की वैल्यू हमारे पास 16 होगी, y की वैल्यू 12 होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।